नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। विपक्षी नेताओं ने की सुषमा स्वराज की जमकर तारीफ। लोकसभा में बुधवार को उस वक्त सौहार्द्र का नजारा देखने को मिला जब विपक्षी सदस्यों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की प्रशंसा की। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, मैं सुषमा स्वराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। वो विदेश में देशवासियों को बचाने के लिए असाधारण रूप से अच्छा काम कर रही हैं। आपके एक अन्य सांसद धर्मवीर गांधी ने भी सुषमा स्वराज की तारीफ की। गांधी ने कहा कि मुझे कोई सवाल नहीं पूछना, मैं केवल मंत्री को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आश्चर्य जताते हुए कहा, कोई सवाल नहीं, केवल धन्यवाद। बीजे पांडा ने भी सुषमा स्वराज की प्रशंसा करते हुए कहा, एक मंत्री के रूप में उनका काम बेहतरीन रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य पप्पू यादव ने अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का जवाब हिंदी में देने के लिए सुषमा स्वराज की प्रशंसा की। सुषमा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मुझे धन्यवाद दिया है। राज ठाकरे ने दिया भड़काऊ बयान, कहा जला दो नए ऑटो। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में आयोजित एमएनएस के 10वें स्थापना दिवस समारोह में राज ठाकरे ने एक बार फिर बाहरी लोगों के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने अपनी पार्टी के मराठी कार्यकर्ताओं को कहा है कि वे नए परमिट वाले ऑटो रिक्शा को जला डालें। उनके मुताबिक नए परमिट दूसरे राज्यों से आए लोगों को दिए गए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि नए परमिट वाले ऑटो से पहले ड्राइवर और यात्रियों को बाहर निकालो, फिर ऑटो में आग लगा दो। उन्होंने नसीहत दी कि सिर्फ नए परमिट वाले ऑटो ही चलाना। उन्होंने कहा कि हर दिन 300 नए परमिट दिए जा रहे हैं, इसके लिए बजाज कंपनी के मालिक राहुल बजाज को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 70,000 ऑटो के बदले कंपनी को 1190 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। राज ठाकरे के इस बयान से राजनीतिक हलकों में बवाल मचा हुआ है। जुर्माने के खिलाफ अपील करेंगे श्री श्री रविशंकर। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर दिल्ली के यमुना तट पर प्रस्तावित वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कार्यक्रम पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लगाए जुर्माने के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और इसके खिलाफ वे अपील करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री ने एक ट्वीट कर कहा कि हम इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, हम अपील करेंगे, सत्यमेव जयते। एनजीटी ने बुधवार को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हुए कार्यक्रम को कराने की इजाजत दे दी थी। एनजीटी का कहना था कि कार्यक्रम जारी रह सकता है, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले फाउंडेशन को जुर्माने की राशि जमा करानी होगी। फाउंडेशन को इस इलाके को बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित करने के लिए भी कहा गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। गौरतलब है कि दिल्ली में यमुना नदी तट पर 11 से 13 मार्च तक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई देशों से हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है।